जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर के आता है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेकर के आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिमाह करीब करीब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव, बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो लेकर के आता है। सूर्य 17 तारीख को परिवर्तन करने जा रहे हैं और 17 तारीख को सूर्य कहाँ पर जाएंगे, तुला राशि के अंतर्गत सूर्य 17 तारीख को परिवर्तित होकर के जाएंगे। तो क्या प्रभाव होगा प्रत्येक राशि के जातक जातिका के लिए, इस पर मेरा विचार हुआ कि इस पर हमें जरूर चर्चा करना चाहिए और आपको एक अच्छी जानकारी निश्चित रूप से प्रोवाइड करानी चाहिए। सूर्य का जब परिवर्तन होता है तो स्पेशली राजनैतिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल आता है, बहुत उथल पुथल होता है, बहुत चेंजेस होते हैं, कई बार अच्छे चेंजेस होते हैं और कई बार विश्व के अंदर खराब चेंजेस भी होते हैं। कई बार सूर्य का परिवर्तन अच्छे चेंजेस को लेकर के आता है तो कई बार सूर्य का जो चेंजेस है वो बुरे परिवर्तन को भी लेकर के आता है। जो लोग ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत मायने रखता है, जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत मायने रखता है, जो लोग लकड़ी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत मायने रखता है। मेडिकल में स्पेशली जो लोग हड्डी के डॉक्टर हैं या जिनका काम हड्डियों से रिलेटेड है या जिनका काम दांतों से रिलेटेड है, ऐसे लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत मायने रखता है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिन सिस्टम में काम करते हैं, उनके लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत कुछ लेकर के आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है वो लेकर के आता है। तो इस बार जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आएगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कौन सी राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन किस प्रकार का होगा, हम बात करेंगे राशि मेष के लिए। पंचमेश होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। प्यार का इजहार किसी की तरफ से निश्चित रूप से आपके लिए होगा। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि आपके लिए होती हुई दिख रही है। आपको नए अधिकार उच्च पद की प्राप्ति का संयोग भी दिख रहा है, लेकिन उसके साथ टकराव और मतभेद आपके लिए सूर्य लेकर के आएंगे। लोगों से टकराव और लोगों से मतभेद का संयोग भी सूर्य के कारण जरूर होगा। अपने अहंकार और अपने ईगो पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संयोग जरूर बनेगा इस महीने में। राशि वृष के लिए अगर हम बात करते हैं, छठे भाव में सूर्य जा करके पहुँचेंगे और सूर्य अगर हम देखें तो राशि वृष के लिए जो सूर्य स्वामी होंगे वो चौथे भाव के होंगे, चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई खरीद या लेने देने का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे, मानसिक अशांति उत्पन्न करेंगे, आपकी जो प्लानिंग है उसको असफल करते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है उसको असफल करेंगे। चोट दुर्घटना वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता है, वहाँ दिक्कत दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से दिक्कतें देंगे। मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें, थर्ड हाउस के स्वामी सूर्य होंगे और जो उनका गोचर होगा वो पंचम भाव के अंतर्गत होगा। पंचमस्त गोचर कहीं ना कहीं सूर्य का निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से अच्छे कार्य किए जाएंगे जिससे लाभ होगा। मित्रों का सुंदर सहयोग होगा, प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और अच्छे रिजल्ट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। मिथुन के लिए परिवर्तन अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए द्वितीय सूर्य होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। भूमि वाहन का सुख इत्यादि आपको कुछ रुकावटों के बाद, कुछ अड़चनों के बाद निश्चित रूप से प्रदान करेंगे और आपके मन में प्रसन्नता देंगे। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी उस पर सोचने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए सूर्य की बात करेंगे, जैसा कि थर्ड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, खुद आपकी राशि के स्वामी होकर के प्रदेशी की यात्रा का संयोग बनेगा। भाई बहनों से मुलाकात तो करवाएंगे लेकिन उसके साथ लड़ाई झगड़े का भी संयोग निश्चित रूप से देंगे। धार्मिक यात्रा का सुंदर संयोग बनाएंगे, सिंह के लिए इस प्रकार रहेगा। कन्या राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक व्यय का संयोग कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे, पैसे का आपका नुकसान करेंगे। घर में लड़ाई झगड़ा, शब्दों में अहंकार, क्रूरता आपके लिए बृहस्पति सूर्य के कारण निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी कन्या राशि के जातक हैं। तुला राशि के लिए 11वें भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे। मान सम्मान दिलाते हैं, पद प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सूर्य आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उस मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ अगर हम देखें तो ये आपके अंदर ईगो और अहंकार भी लेकर के आएंगे,
लोगों से मन मुटाव इत्यादि जो है वो भी निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। मन मुटाव, ईगो, अहंकार शब्दों में टकराव आपको नुकसान देगा, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम सूर्य की परिस्थिति को देखते हैं, दशम भाव के स्वामी होंगे और द्वादश भाव में आकर के गोचर करेंगे। नौकरी छूट सकती है, कार्य में नुकसान हो सकता है, सीनियर लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आपको कहीं पर रिश्वत इत्यादि देने का जो कार्य है वो करना पड़ेगा इस महीने में। धनु राशि के लिए सूर्य की अगर हम परिस्थिति की बात करें, नवम भाव के स्वामी होकर के ग्यारहवें भाव में जा करके गोचर करेंगे, परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं, वहाँ से लाभ होगा। बड़े भाई के सहयोग से कोई बिगड़ा हुआ कार्य निश्चित रूप से आपका बनेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से देंगे। धनु राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं बेहतर है। मकर के लिए बात करें, अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में आकर के गोचर करेंगे, ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। प्रमोशन अगर होने वाला है कंपनी में, आपकी जगह किसी और को दिया जा रहा है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप पीछे ही रह जाएंगे, आपकी जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ व्यतीत होंगी जिसके कारण मन परेशान रहेगा। नौकरी में अचानक बहुत दिक्कत आने का संयोग बनेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इवन कार्य पूरी तरह से बंद कराने का या कार्यनाश का योग यहाँ पर सूर्य मकर राशि के लिए बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम कुंभ के लिए बात करें, सप्तम भाव के स्वामी होंगे और नवम भाव में आकर के गोचर करेंगे। जीवन साथी के सहयोग से कोई बिगड़ा हुआ कार्य आपका निश्चित रूप से बनेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, रुके हुए कार्य के बनने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें दूर होंगी। मीन राशि के लिए छठे भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, विपरीत राजयोग को करीब करीब तैयार करेंगे। शत्रुओं पर आपका प्रहार बड़ा लाभप्रद होगा, शत्रु आपसे भयभीत होंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे या कार्य आपके करीब करीब आपके पक्ष में होंगे, बिगड़ा हुआ कार्य आपका बनेगा। तो इस प्रकार द्वादश भाव की राशियों में जो सूर्य का परिवर्तन है वो अलग अलग प्रकार का प्रभाव लेकर के आएगा। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इस बार सूर्य का यदि किसी भी राशि पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो लाल पुष्प लेकर के रविवार को 5 लाल पुष्प लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अर्पण कीजिएगा। अन्य कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड, अपनी हस्तरेखा, अपने ग्रहों से रिलेटेड कोई रत्न इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।